दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तराशने वाले तो पत्थर को भी तराश देते हैं और ना समझ तो हीरे को भी पत्थर करार देते हैं। और भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। इसलिए कर्म में विश्वास रखें, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। और सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करिए, क्योंकि लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। और बस यही दो मसले जिंदगी भर हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। और दोस्तों, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने उस दीवार पर एक बेहतरीन लाइन लिखी कि ये वक्त गुजर जाएगा, अगर आप इसे दुख में पढ़ेंगे तो आपको खुशी होगी, और अगर आप खुशी में पढ़ेंगे तो आपको दुख होगा। और पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। और दोस्तों, रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक केकई। विभीषण रावण के राज में रहता था फिर भी नहीं बिगड़ा, और केकई राम के राज में रहती थी फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य, सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। और दोस्तों, शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था, और थोड़ा गुरूर जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना लेती है। और कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। और सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि दोस्ती का क्या मतलब है। श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जहाँ दोस्ती हो वहाँ मतलब कैसा। और किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज्यादा अच्छी है। और बुराई वही करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, और हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह होता है। और शरीफ इंसान की भी एक बुरी आदत होती है कि वो सभी इंसानों को शरीफ समझ लेता है। और स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो एक भूल से भी इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। और दोस्तों, मकड़ी भी कभी अपने बनाए जालों में नहीं फंसती, जितना आदमी अपने बुने ख्यालों में उलझ जाता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा, और तुम जरा सा उड़कर देखो, सब गिराने आ जाएंगे। और माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और इतनी धूल और सीमेंट है शहर की हवाओं में कि कब लोगों का दिल पत्थर का हो जाता है पता नहीं चलता। और एक साल में 50 दोस्त बनाना आम बात है, पर 50 साल में एक ही से दोस्ती निभाना खास बात है। और मौका देने वाले को धोखा, और धोखा देने वाले को मौका कभी नहीं देना चाहिए। और जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी रोशनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। और अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने में होती है। और कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है, और कोई मंजिल पे पहुंचता है भटक जाने से। और वक्त हालात देखकर बदलता है, और अपने मौका देखकर। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि जब किसी को खोने की नौबत आ जाती है तभी उसे पाने की कीमत समझ आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइन।